तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आवर सेकंड ब्लॉग एंड आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, अभी हम जाने वाले तारंगा हिल स्टेशन, जो कि हमारे टाउन से करीब करीब आधे या एक घंटे की दूरी पर ही है। तो अभी हम तारंगा हिल स्टेशन जाते और वहाँ के सब बताएंगे आपको। अरे आंटी, साइड में हटाओ, ये यार ये सब बीच में खड़े रहते हैं। और हमारे यहाँ की एकदम बकवास रोड, एकदम ख़राब रोड है, एकदम ख़राब रोड। तो अभी हम ये रोड क्रॉस करके जाते हैं अच्छी वाली रोड पे, आगे वहाँ से लेफ्ट हैंड टर्न लेके जा रहे हैं आगे। अरे भैया, साइकिलिंग करने निकल गए सुबह सुबह। भाई जाने दो, साइकिलिंग करने जाओ आप, हम जा रहे हैं आगे। तो भैया, ये है हमारे यहाँ का एक बस स्टेशन है हमारे यहाँ का। और अभी आगे जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ी ठंडी स्टार्ट हो गई है, तो सब यहाँ पे बैठे रहते हैं ऐसे ताप चला के। हर जगह पे आपको कहीं पे दिख ही जाएगा। और ये भैया क्या उठा के जा रहे हैं, कुछ भी उठा के जाने दो अपना क्या। ओके, अपन चलते आगे जाते हैं। और यहाँ पे राइट हैंड साइड हमारी स्कूल आ जाएगी, हाई स्कूल बोलते हैं हम यहाँ पर उसको। तो ये राइट हैंड साइड हाई स्कूल अपनी, और उससे थोड़ा आगे जाएंगे और राइट हैंड साइड में एक बगीचा आ जाएगा, मतलब पार्क, बगीचा। हमारे गुजराती में इसको बगीचा बोलते हैं, पार्क को। तो आगे ये सुबह सुबह चाय की होटल खुल रही है सुबह जल्दी। तो ये पार्क है। और ये भैया साइकिल ना, ये दूध भराने जा रहे हैं। दूध भराने मतलब यहाँ से डेयरी में ले जाएंगे दूध, और वो ही दूध को ले जाके महसाणा में दूध सागर डेयरी वहाँ जाएगा, और वो दूध को पैस्चराइज करके पैकेजिंग में भेज देंगे यहाँ पे। जो दूध सागर की पाउच आती है अमूल की, उसमें। तो गाइस, ये हमारे यहाँ की नदी है जिसका नाम रूपेण है। इसके अंदर एकदम ख़राब वेस्ट हो जाता है, गटर का वेस्ट हो जा रहा है, तो एकदम बिगाड़ दिए नदी को। ना पानी है उसमें, ना कुछ हो गया, ना सफाई होती है वो नदी की। तो जैसे बता, देखो एक इधर भी सब आग जला के बैठे हैं। तो ये राइट हैंड साइड एक गर्ल्स हाई स्कूल है, ये जंप के बाजू में ही है। और आगे जाते ही एक थोड़े लोग बैठे दिख रहे होंगे, वो उस जगह पे एक बस स्टॉप है, छोटा सा नॉर्मल बस स्टॉप। और ये अभी हम एंटर हो, अरे अरे अरे, कुत्ते आ गए, कुत्ते, संभाल के, कुत्ते या दूसरा कोई प्राणी आए तो भाई संभाल के चलाओ, उनको ही बचाओ, अपने बचाओ। ये हमारे यहाँ की मंडी है, ये मंडी को क्रॉस करके आगे निकल चुके हैं अपन। और ये रोड अभी जाएगा सीधा, अरे ये भाई भी दूध लेके रिटर्न हो गए, दूध देके मतलब। तो ये रोड भी अभी सीधा हाईवे की तरफ जा रहा है, और ये इसी रोड से अपन जाएंगे हाईवे पे, जो अम्बाजी हाईवे, जहाँ से हमको जाने का है तारंगा के लिए, वहाँ से हम निकलेंगे। तो चलो हाईवे। तो गाइस, थोड़ी देर बाद अभी अपन प्रॉपर हाईवे पे जाने वाले। तो गाइस, ठंडी बहुत है, ठंडी के कारण बाइक चलाने में डिफ़िकल्टी हो रही है, क्योंकि अपन ने ग्लव्स पहने नहीं है, राइडिंग ग्लव्स, जिसके कारण उंगलियों में उंगली सुन पड़ जा रही है ठंडी के कारण। तो थोड़ी देर में आगे हाईवे आ जाएगा, तो वहाँ से, वहाँ पे वृंदावन सर्कल है, तो वहाँ से राइट टर्न लेके प्रॉपर अम्बाजी हाईवे पे अपन चढ़ जाएंगे। तो वहाँ से सीधे तारंगा का रास्ता जाता है, तो वहीं से तारंगा जाते हैं आगे। तो गाइस, ये आगे सर्कल आ चुका है वृंदावन। तो यहाँ से अभी टर्न लेके जा रहे तारंगा की ओर। तो चलो गाइस, अभी आगे हाईवे पे मिलते हैं। तो गाइस, हम आ चुके हैं प्रॉपर हाईवे पे, जो कि तारंगा हाईवे है, मगर इसका नाम अम्बाजी हाईवे है। तो उससे पहले अपने को स्टॉप लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी बाइक में फ्यूल कम है, थोड़ा पेट्रोल कम है, इसलिए फ्यूल स्टेशन जाने वाले हैं। और भाई ने रॉयल फ्रेंड, तो लोग हेलमेट भी पहन रखा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा है। तो अभी आगे वाले कट से
जाते और फ्यूल स्टेशन पे फ्यूल भरवा लेते, तो आगे ये फ्यूल स्टेशन ही आ गया। और ये भाई वाइट शर्ट में देखो, ये बंदा बिना हेलमेट के, भाई कम से कम खुद की सेफ्टी का तो ध्यान रखो। चलो तो अभी आ चुके अपन फ्यूल स्टेशन पे, कोई दिख नहीं रहा लगता है बंदा यहाँ पे, रुको आएगा कोई आएगा, चलो देखते कौन आ रहा है। तो गाइस अभी फ्यूल स्टेशन पे रुके, फ्यूल भरवाते, ये भैया आ गए। 300 रुपया नफो, हाँ 300। तो गाइस अभी फ्यूल भरवाते, उसके बाद आगे की राइड कंटिन्यू करते। ये हो रहा है फ्यूल अप अपना, ज़्यादा फ्यूल डलवाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है ये यहाँ से, इसलिए ज़्यादा फ्यूल नहीं डलवाए। तो चलो फ्यूल अप करके मिलते आगे। तो गाइस अभी हमने फ्यूल अप करवा लिया है और निकलते हैं आगे की तरफ। वो फ्यूल वाले भैया यूँ पूछ रहे थे कि हमने उनको बताया, गुजराती में बोला कि 300 रुपये में पेट्रोल नाख के, तो मतलब उसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने नहीं पता कितने का डाला था। हमने उनको बताया कि 300 का पेट्रोल डाल दो भाई, तभी 300 का पेट्रोल डलवा लिया है। तो अभी तारंगा के लिए निकलते और वो सामने जो वाइट बोर्ड दिख रहा है वहाँ पे हमारे यहाँ का साई बाबा का मंदिर है। वो मंदिर तो बढ़िया है ही, मगर उससे बढ़िया उसके पीछे से जो व्यू आता है फार्म हाउस के, वो बहुत ही बढ़िया व्यू है वहाँ पे। तो गाइस यहाँ से तारंगा तो हम जा ही रहे, मगर अंबाजी भी विजिट कर सकते हैं। अंबाजी में, अंबाजी वो जगह है जहाँ पे पार्वती माता जब राजा दक्ष के वहाँ पे सती हुई थी, तब शिव भगवान उनको ले के जा रहे थे ब्रह्मांड की परिक्रमा करते करते कैलाश की तरफ, तो पार्वती माता का दिल यहाँ पे गिरा था अंबाजी में। तो उस जगह को बहुत से लोग श्रद्धालु मानते हैं, बहुत श्रद्धालु वहाँ पे जाते चल के, वहाँ पे सब 12 महीने जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा वहाँ पे पब्लिक भादरवी में होती है, भादरवी पूनम के दिन होती है, क्योंकि हमारे गुजरात में जब भादरवा महीना बोलते हैं उस टाइम पे बहुत से श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो उस टाइम पे उनके लिए सेवा कैंप भी खुलते हैं अलग अलग टाइप की पब्लिक। तो गाइज मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत से श्रद्धालु लोग 12 महीने यहाँ से चल चल के जाते हैं। तो ये आगे एक और संघ आ रहा है, तो उनका थोड़ा उत्साह बढ़ाते हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके तारंगा में, और ये मंदिर अजितनाथ जैनालय मंदिर है जो कि जैन मंदिर है। तो अंदर मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मंदिर तो फोटो ये वीडियो लेके जाने कैमरा लेके जाने वाले नहीं है, बाद में आके ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। गाइज अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तारंगा में दर्शन कर लिए हमने मंदिर के, तो अभी जा रहे हैं ऊपर की तरफ।
गाइस अभी ऊपर पहुंच चुके और ऊपर आ चुके हैं। ऊपर से ऊपर आते आते साली जान निकल गई यार। और ये सब नज़ारे हैं। आगे का मोटो ब्लॉग कंटिन्यू करते और एक बार आप ऊपर का व्यू देख लो जहाँ पे हम गए थे। तो गाइज अभी हम वापस घर जा रहे क्योंकि पापा के फोन आ गए और हमने घर पे ये बताया कि मैं मेरे दोस्त के घर जा रहा हूँ जो कि मेरे साथ है राकेश भैया। तो उनको मालूम नहीं कि हम यहाँ पे मोटो व्लॉगिंग करने आ चुके हैं तो अभी फटाफट जा रहे हैं, उनको कुछ अर्जेंट काम है तो घर जाते हैं और मोटो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो गाइज अभी हम तारंगा को बाय बाय के घर की तरफ निकल चुके हैं। तो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ध्यान से बाइक चलाएं, सेफ राइड एंड वेयर हेलमेट। तो बाय गाइस।